दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद देशभर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। हरिद्वार में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सतीकुंड से लेकर बीजेपी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और सुरक्षा के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती पहले ही कर दी गई। जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के नजदीक पहुंचे, तभी पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग पर ही रोक दिया गया। इसके बाद आप कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और कुछ देर बाद पुतला फूंक कर वापस चले गए। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता से बौखलाकर बीजेपी सरकार ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कराई। दो चार सीट दर्द दाखिल की थी सीबीआई ने, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन कल अचानक सीबीआई ने नोटिस दिया, मनीष सिसोदिया को बुलाया और उसके बाद अरेस्ट कर लिया और कहा कि उन्होंने सीबीआई का सहयोग जांच में सहयोग नहीं किया। तो ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बौखलाहट है, ये घबराहट है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को इसको देखने कोई आरोप नहीं है। आप सब देख रहे हैं पिछले एक साल से आबकारी का मुद्दा चल रहा है, जो FIR हुई थी आबकारी नीति के खिलाफ, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। कोरोना काल में प्रत्येक प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी शासित हो चाहे वो कांग्रेस शासित हो, सब ने जो है अपनी नीतियों में छूट दी थी और सब जगह जो है कुछ प्रकरण यहाँ उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी गए थे, वो पूरे खारिज कर दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इसको मुद्दा बनाकर जो है सिसोदिया जी को घेर रही है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, आम आदमी तक जो है जन सुविधाओं को पहुँचाने की, स्वास्थ्य की जो क्रांति है, उसकी शिक्षा की जो क्रांति है, उससे वो घबरा गई है और आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है।